ये ट्रेन हादसा हुआ वहां पर जी न्यूज ने सबसे बड़ी पड़ताल की है। जी हाँ, जी न्यूज की टीम ने ये पता लगाने की कोशिश की कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ, हादसे के बाद मंजर कैसा था, किसकी गलती थी। ग्राउंड जीरो पर जी न्यूज की सबसे बड़ी पड़ताल। कब, कहां और कैसे हुआ हादसा, कौन जिम्मेदार? जी न्यूज के कैमरे पर हादसे के दो चश्मदीद। आज खुलेगा राज, सामने आएगा हादसे का सच। बालासोर हादसे में 275 लोगों की जान चली गई, सैकड़ों लोग घायल होकर अस्पताल पहुंच गए। सबके मन में यही सवाल उठ रहा है कि आखिर 2 जून की शाम 7 बजे हुआ क्या था। जी न्यूज ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर सबसे बड़ी पड़ताल की। जी न्यूज की टीम इस वक्त बालासोर के उस हादसे वाली जगह पर मौजूद है, ग्राउंड जीरो पर, जहां 2 जून 2023 की शाम 6:55 पर सबसे बड़ा हादसा हुआ। अब तक 275 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और 600 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। आगे आपको लेकर चलते हैं, इसके कुछ और हिस्सों को दिखाते हैं ताकि ग्राउंड जीरो से यह बड़ी पड़ताल देखकर आप समझ सकिए कि कैसे यह हादसा हुआ और इसके पीछे क्या, कौन वो लोग हैं जो जिम्मेदार हैं। जी न्यूज की टीम ने हादसे के पहले चश्मदीद को ढूंढ निकाला। हमारे रिपोर्टर विशाल पांडे ने रघुनाथ पात्रा नाम के इस चश्मदीद से जानने की कोशिश की कि हादसे के बाद वहां का मंजर कैसा था। रघुनाथ पात्रा, आप कब इस जगह पर पहुंचे, क्या जब यह हादसा हुआ था? होने के बाद मैं 10-15 मिनट में यहीं पे मार्केट में था। हाँ। जब आवाज आया हम लोग दौड़ के आए हैं इधर, आने वाले देखा सारे ट्रेन इधर उधर हो गए हैं। हाँ। इसके बाद जो अंदर आए हैं सारे लोग, लेकिन प्रशासन आने से पहले हम लोग सारे यहाँ पे थे। हाँ। और बगल बगल में गांव में सब आए। अच्छा, आपने क्या देखा उस समय, क्या हुआ था, ट्रेनें कैसे एक दूसरे के ऊपर थीं, डिब्बे कैसे इधर उधर पड़े थे, कैसे ये हादसा हुआ, आप लोगों ने पहली नजर में क्या देखा? पहले इधर तो हम आए हैं, आने के बाद 3 बोगी इधर गिर गया था। हाँ। उस बार वो वाला जैसे है उस सारे गिर गया था उधर। हाँ। पहले बेसी ज्यादा हुआ था उधर में, ट्रेन ऊपर का ट्रेन चढ़ गया था। इस स्टेशन पर स्टॉपेज है या नहीं है? नहीं, स्टॉपेज तो नहीं है, एक्सप्रेस का ट्रेन है, सिर्फ यहाँ पे लोकल रुकती है। हाँ। बालासोर से हावड़ा जो जाने वाले लोकल है, जो छोटा बड़ा आसपास का जो शहर के लोकल है वही रुकते है। कोई एक्सप्रेस का कोई रुकने का कोई तरीका नहीं है यहाँ पे, कभी भी रुकता नहीं है, तो ऐसे है। और बताइए। चलिए, तो देखिए यहाँ पर रघुनाथ पात्रा ने पूरी जानकारी दी, ये चश्मदीद थे कि आखिरकार 2 जून की शाम क्या हुआ था। इनके मुताबिक यहाँ पर बहुत भारी संख्या में लोगों की मौत हुई है। जी न्यूज की टीम ने हादसे के उस चश्मदीद से भी संपर्क किया जो हादसे के दौरान रेलवे क्रॉसिंग के ठीक पास खड़ा था। हादसे के दौरान इस चश्मदीद के पैर में भी चोट लग गई। उसने जी न्यूज के कैमरे पर उस शाम की पूरी गवाही दी। हिरण में रथ, आप कहाँ पर मौजूद थे 2 जून की शाम? वहाँ पर वही रास्ते में खड़ा था मैंने, ये रेलवे क्रॉसिंग के पास। जी जी जी, वहाँ से लगभग 40-50 मीटर दूर खड़ा था। हाँ, क्या हुआ था उस समय, क्या देखा था आपने? एक ट्रेन जोर से आया और उस तरफ से एक ट्रेन जोर से आ रहा था, वहाँ पर एक ट्रेन खड़ा था। पहले वो वाला ट्रेन थोड़ा लाइन के बाहर आ गया और ये वाला ट्रेन जा रहा था उसके पिछले 3 बगी के, वो वाला ट्रेन लाइन से निकल कर इसके अंदर जो लग गया, यशवंतपुर का जो लास्ट 3 डब्बा यहाँ पर गिरा हुआ था। और यहाँ पर सब जो खामर तो बहुत लोग नहीं हुए, लेकिन लगभग 200-300 लोग यहाँ पर ही मर चुके हैं, यहाँ पर ही मर। आपको कैसे चोट लगी पैर में? मैं तो वहाँ पर खड़ा था, वहाँ से वो जो ट्रेन जब जो गया, जो इंजन जब पास किया, जब एक्सीडेंट हुआ, लोहा का जो ये आके मेरा सर ये पैर में लगा, पैर में लगा, अभी हमारा घर में भी लगा है, ये लोहा पत्थर मार हुआ था अपने ऊपर, ये सब हुआ है। कोरोमंडल एक्सप्रेस के जो डिब्बे हादसे के शिकार हो गए उनके निशान अभी तक बाकी हैं। इन डिब्बों के पास ही उन यात्रियों के बैग अभी तक पड़े हैं जो निकले तो थे अपनी मंजिल के लिए, लेकिन उनका सफर अधूरा रह गया। ये बैग है, लोग सफर करते हैं अपने सामान के साथ, दरअसल ये जिम्मेदारियों का बोझ था।
और उन्हीं जिम्मेदारियों के निर्वहन के लिए ये लोग नौकरी की तलाश में, अच्छे भविष्य की आस में लगातार मुसाफिर की तरह सफ़र करते हैं। लेकिन इनको ये नहीं पता था जिन लोगों की मौत हुई कि शायद ये उनकी ज़िंदगी की आखिरी सफ़र हो और ये उनकी आखिरी मंजिल हो। और ये तस्वीरें भी काफ़ी भावुक करने वाली हैं, कैसे लोग नौकरी की तलाश में अपने घर परिवार के लिए अपना घर छोड़ कर जाते हैं, लेकिन बीच में उन्हें इस हादसे का शिकार होना पड़ता है। उनके परिवार वाले दुख दर्द में इस वक्त होंगे, लेकिन यहाँ इस हादसे ने कई घरों के दिए बुझा दिए हैं। जी न्यूज के रिपोर्टर विशाल पांडे हादसे की तह तक जाने के लिए रेलवे केबिन तक भी पहुंचे, जहां से ट्रेनों के सिग्नल ऑपरेट होते हैं। जो सिग्नल देगा बाबुलुक तो सिग्नल देगा, हम खाली सिग्नल दिखाएगा बस। अच्छा, आप सिग्नल दिखाते हैं। हाँ। तो उस दिन क्या हुआ था, कोरोमंडल को सिग्नल दिखाया था आपने? उस दिन मेरा ड्यूटी नहीं था। हाँ। उस दिन मैं घर में था। अच्छा, वो घटना घटने के बाद हम आया था। अब क्या हुआ हमको मालूम भी नहीं है। नहीं, कुछ पता चला कि किस अभी कुछ पता नहीं चला। जब इंक्वायरी हो जाएगा तो पता मिलेगा क्या है नहीं। चश्मदीदों को छोड़ दें तो रेलवे से जुड़ा कोई भी कर्मचारी कुछ बताने को तैयार नहीं है। सभी जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ये तो तय है कि इतने बड़े हादसे के पीछे किसी न किसी की लापरवाही जरूर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 जून को हादसे वाले जगह का दौरा किया है और यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घायलों से भी मुलाकात की। और इस मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने कहा कि जो भी दोषी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। वहीं आज रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह कहा है कि जांच रिपोर्ट में उन्हें यह पता चल गया है कि वो कौन लोग हैं जो इसके लिए जिम्मेदार हैं और रूट कॉज क्या है, यानी इस हादसे के पीछे मूल वजह क्या है, इसकी जानकारी पता चल गई है। यानी कुल मिलाकर आने वाले दिनों में जो आयुक्त हैं रेलवे सेफ्टी के, उनकी रिपोर्ट के आधार पर बड़ी कार्रवाई संभव है। कैमरामैन जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, ओडिशा। जी न्यूज़।